तो जैसा कि आज वीडियो हम करने वाले एक स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग एंड गिव अवे। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग एक फोन की। जो स्मार्टफोन है वो लेनोवो K8 नोट है। जो लेटेस्ट वर्जन है, जो न्यू अपडेट सिस्टम आई हुई है मोबाइल में, वो इसमें फिटेड है, असेंबल है इसमें। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग एंड गिव अवे। देखिए भाई, मैं गिव अवे रियल करता हूँ, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। जो पिछले वाली गिव अवे थी पावर बैंक की, उसके विनर थे अजय कसौधन, जिनका एड्रेस यूपी में ही है। उनका एक चैनल भी है रॉकी एज स्टार, वो काफ़ी समय से हमारे फॉलोअर्स थे, सब्सक्राइबर थे, व्यूअर्स थे। तो उनको ये मिला है, मैं कोई फ्रॉड नहीं बोलता हूँ, ये रियल बात है, उन्हीं को गिव अवे मिला है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि यार इतना छोटा चैनल है तुम्हें कैसे गिव अवे कर लेते हो। तो भाई छोटे मोटे चैनल से भी मतलब नहीं है, मैं कुछ इनकम में जो करता हूँ, मैं साइड से इनकम करता हूँ, जो भी इनकम मेरी होती है इसमें गिव अवे। मुझे जो स्मार्टफोन है वो गिफ्ट मिला हुआ है, तो मैं गिफ्ट मिला है मुझे, आई हैव ऑलरेडी टू फोन, मेरे पास दो ऑलरेडी सेलफोन है, स्मार्टफोन है, दो बड़े मतलब बड़े बड़े क्या मतलब बढ़िया अच्छे पास में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग गलेक्सी S8 है और S7 भी है। तो ये जो स्मार्टफोन है मैं इसका करने वाला हूँ गिव अवे। तो सबसे पहले गिव अवे से पहले मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, और अनबॉक्सिंग से पहले मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बताऊँगा इसके बारे में, ये मोबाइल क्या है, क्या मतलब इसकी क्वालिटीज हैं, क्या डिस्प्ले हैं, क्या बैटरीज बैकअप हैं, क्या कैमराज हैं। सो सबसे पहले मैं, ये मेरा पैकेज है, मैंने ऑलरेडी इसे ओपन कर चुका था, लेकिन मैं दोबारा बताने के लिए कर रहा हूँ। तो यार इसके मैं थोड़ा सा लुक जो है इसका मैं दिखा दूँ आपको, ये जो पैकेज है। तो मुझे मालूम है आपको पैकेज ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए यहाँ से मेरा कैमरा उस एबल नहीं है कि इसे अफोर्ड कर सके। तो यार इसकी जो लुकिंग है डैशिंग थोड़ी लग रही है, जो इसकी कवर की लुकिंग है जिसमें पैकेज है। सो इसके साथ कुछ गिफ्ट मिला हुआ है मुझे, इंजॉय गिफ्ट, इंजॉय योर गिफ्ट थाम विशाल। तो इस पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मैं दिखा दूँ आपको, शायद ये नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको, मैंने मतलब लिखा है इसमें इंजॉय योर गिफ्ट थाम विशाल। तो ये मुझे गिफ्ट ही मिला है। इसकी जो मैं क्वालिटी कुछ बता दूँ, जो इसकी फ्रंट कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल की। तो मेगापिक्सल की बात करें अगर, तो आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं वो सिर्फ कैमरे पर ही फोकस कर रहे हैं। और जो इसकी बैक कैमरा है, बैक में डबल कैमरा है इसमें, जो डबल कैमरा है वो है आपकी एक 13 मेगापिक्सल की और एक 5 मेगापिक्सल की। तो मैं आपको बता दूं, जो डबल कैमरा होते हैं वो दोनों कैमराज नहीं होते हैं, एक कैमरा होते हैं और एक फोकस लेंस होता है। मतलब अगर आप बहुत सारे फोटोज ऐसे देखे होंगे इंटरनेट से भी या फिर फेसबुक पर भी, मतलब कहीं भी जो सोशल नेटवर्क पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डाले होते हैं फोटोज, उसको आप देखे होंगे पीछे का जो सब्जेक्ट रहता है, मतलब पीछे का जो भी बैकग्राउंड रहेगा वो ब्लर रहता है, धुंधला रहता है, और जिस चीज़ को चाहिए उस चीज़ को आप फोकस कर सकते हैं। तो ये उस वो सिस्टम, उसे कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। तो वो इस मोबाइल फोन में दिया हुआ है लेनोवो K8 में। तो मैं आपको बता दूं, जो ऊपर वाले कैमराज होते हैं, जो मतलब ऊपर नीचे जो भी हो अगल बगल रहता है, तो उसमें से एक कैमरा जो होता है वो आपको फोटो खींचने में मदद करता है, और जो दूसरा है उसे इमेज की फोकस को मतलब पहचानने में मदद करता है वो। तो दोनों कैमराज नहीं होते हैं, मतलब एक फोकस लेंस होता है जिसमें आपको पीछे की बैकग्राउंड ब्लर करता है, और जो इसके चीज़ पे फोकस करना चाहें आप उसे फोकस करता है। तो ये रही हमारी कैमरे की बात, मुझे आशा है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और दूसरी बात इसमें ये है कि जो इसकी साउंड क्वालिटी है, मैं इसे सुन चुका हूँ यार, इसकी डॉल्बी एटम्स की साउंड है। और मैं आपको बात करूँ डॉल्बी एटम्स की, तो जो हॉलीवुड में मूवीज बनाई जाती है उसमें जो यूज़ किया जाता है वो डॉल्बी एटम्स ही होता है। तो डॉल्बी एटम्स वो होता है, मैं थोड़ा सी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जो भी आपको लगेगा ऐसे कि वो नेचुरल, जो भी साउंड आ रही है वो नेचुरल है।
तो वो डॉल्बी एटम्स की मतलब पहचान यही है कि आप जो भी साउंड सुनेंगे वो नेचुरल लगेगा आपको। तो ये इसमें खास बात एक ये है और एक कैमराज की है। कैमरा कुछ खास नहीं है, मैं कैमरा कंपेयर कर चुका हूँ इसमें, सारे स्मार्टफोन्स मैं आपको पहले बता चुका है एक ही जैसे होते हैं, बस कुछ फीचर्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। और इसमें हाँ गोरिल्ला ग्लास 2.3 वर्जन है, जिसमें वर्जन तो नहीं दिखाता कभी। तो गोरिल्ला ग्लास इसमें नॉन स्क्रेचेबल है, मतलब स्क्रेच अगर आप बहुत से फोन से ऐसे देखे होंगे जिम में रखने से बार बार निकाले रखने से उस पर स्क्रेच आ जाते हैं, तो ये स्क्रेच रेसिस्टेंट है, तो इसमें स्क्रेच का बहुत कम डर रहता है इसमें। तो अब हम बात करेंगे इसकी बैटरी की। बैटरी लाइफ इसकी 4000 mAh की बैटरी है, तो अगर आप इंटरनेट यूज करते हैं तो दिन भर आपकी चलेगी बैटरी, क्योंकि ऐसा कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है जिसकी बैटरी ऐसी है कि एक दिन चार्ज करो तो उससे चार दिन पाँच दिन चले, ऐसे पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जितना ये बड़ा फोन लेंगे, जितना बड़ा प्रोसेसर आप कराएगा, उतना ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो इसमें 4000 mAh की बैटरी दे रही है, कुछ मतलब अच्छा ही है। अगर उसमें बजट रेंज में अगर आप पैसे की बात करें तो ये 8,335 rupees की मोबाइल है, और इसके साथ GST टैक्स कट रहा है, तो जो थोड़ा सा प्राइस हाई हो चुका है इसे। तो यार अगर आपको हर मोबाइल में एक खास चीज़ यही दिखा जाता है, मतलब इसकी प्रोसेसर क्या है, बैटरी लाइफ क्या है, कैमरा क्या है, डिस्प्ले कितने इंच का है, या फिर इसमें म्यूजिक क्वालिटी क्या है, ऑडियो क्वालिटी क्या है, तो सबसे पहले इसकी जो बैटरी रैम है वो 3 GB की रैम है, और इसमें 32 GB की आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगी, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज है और 3 GB की रैम है, जिसमें अच्छी खासी आपको प्रोसेसर है, और इसमें डेटा कोर का प्रोसेसर है। ये मुझे थोड़ा सा नया लग रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था विथ न्यू लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन, और इसमें वर्जन है, वर्जन की बात करें तो 7.0 है नॉकआउट वर्जन, नॉकआउट से भी ऊपर है ओरियो, और ओरियो से भी ऊपर है ऑक्सीजन, 8 वर्जन में नाम ओरियो है और 9 वर्जन में ऑक्सीजन है। तो इसमें जो अपग्रेडेबल है, इसमें आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने जरूरत अनुसार, ऑक्सीजन सॉरी ओरियो तक ये अपडेट हो सकता है, मतलब 8 तक अपडेट हो सकेगा ये। तो यार इसकी कुछ ये थी खास बातें, अब मैं थोड़ा सा इसको अनबॉक्स कर दूँ। और हाँ यार इसकी रिव्यू मैं करने वाला हूँ, ये रियल है बिल्कुल, कोई इसमें फेक नहीं है। तो यार ये रही हमारी मोबाइल्स, वो वाओ, इसमें ऑलरेडी एक जो बैक कवर है उसमें दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट बैक कवर है इसमें, और हाँ फिंगरप्रिंट भी है इसमें, मैं आपको बताना भूल गया था, फिंगरप्रिंट भी है इसमें। तो कुछ खास नहीं है इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। तो ये है यार ये सब बताएं क्या है, तो बस ये यार ये है मोबाइल आपका, जो भी मोबाइल है आगे का पीछे का, इसमें डुअल कैमरा है। मैं इसकी जो फोटो क्वालिटीज है मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर दूंगा कैसे इसकी फोटो क्वालिटी है। और ये है कुछ विथ्री प्ले और पॉज करने का बटन। चलिए इसे मैं थोड़ा सा दूसरे कैमरे के एंगल में बता दूँ आपको किस तरह से इसकी जो लुकिंग है कैसे लगती है, डिस्प्ले कैसे लगती है इसकी। सो आइए यार दूसरे स्क्रीन पर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फ्रंट की जो लुकिंग है ऐसी दिख रही है आपको, फ्रंट की लुकिंग मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ यहाँ से, सॉरी निकल जावे, हाँ तो ये है। तो ये कुछ इसके ऊपर जो स्टिकर्स कुछ लगे हुए हैं, इसे मैं देता हूँ निकाल देता हूँ, सॉरी ये रहा हमारा डिस्प्ले जो कि इसमें ऑलरेडी एक कवर लगा हुआ है, मैं कवर को निकाल दे रहा हूँ यहाँ से। तो ये कुछ डैशिंग लुक है इसका, अगर किसी मोबाइल से कंपेरिजन करें तो यार इसकी डैशिंग लुक है इसमें। ये रही ये है दो स्पीकर्स हैं, सॉरी दो स्पीकर्स नहीं है, इसमें एक स्पीकर है और एक जो है माइक है, जो राइट साइड वाली है वो माइक है और जो लेफ्ट साइड वाली है वो स्पीकर है। तो इसमें ईयरफोन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लेटेस्ट जो जनरेशन है इस समय का वो कर दिया है चेंज थोड़ा सा, इस किसी भी स्मार्टफोन के साथ ईयरफोन नहीं दे रहा है। और बगल में दिया हुआ है अगर आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हैं तो म्यूजिक यहाँ से डायरेक्ट प्ले करके इसे आप पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे बटन दिया है, एक बटन यहाँ पर है और यहाँ पर बटन, एक पावर बटन है और वॉल्यूम बटन है इसमें दोनों पे। और ये है हमारा जो ईयरफोन जैक है इसमें, और इसमें LG 3500 की जो चार्जर है वो दिया हुआ है। तो यार किस इसकी डैशिंग लुक भी है, चलिए मैं इसकी हूँ तब तक जब तक ऑन होता है इसको हम करेंगे थोड़ा साइड में। ये रही कुछ ऑन्स, अब इस पैकेज में क्या है, तो ये बैक कवर है फ्री ऑफ कॉस्ट है इस पर, चलिए इसे हम करते हैं साइड में। आजम भाई ये भी कुछ नहीं है, इसको हम करेंगे साइड में। और ये जो अंदर हम आएंगे तो ये कुछ इसमें दिया हुआ मैनुअल, हाँ एक तो इसमें मिलेगा आपको सिम रिमूवर, सिम या फिर कहना मेमोरी कार्ड रिमूवर। तो ये रिमूवर आप देख सकते हैं कुछ ये अलग अंदाज में है थोड़ा सा, सबसे यूनिक लग रहा है ये
नहीं तो सारे लोग जितने भी है कंपनी वाले सारे लोग एक ही तरह बनाते हैं, ये थोड़ी सी आपको अलग दिखेगी। तो यार इसको भी हम करेंगे थोड़े से अलग। और इसमें क्या है भाई, तो इसमें है ये आपके मैनुअल्स हैं, जो रीडिंग मैनुअल्स हैं, जो भी आप समझ सकें रीडिंग मैनुअल्स हैं ये। अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास एक चार्जर मिलता है। ये जो चार्जर है एक मामूली चार्जर नहीं है, ये जो चार्जर है यार इसमें 2 एम्पीयर की चार्जर, ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। और फास्ट ट्रेवलिंग चार्जर, ये फास्ट मोबाइल आपका चार्ज हो जाएगा जो भी मोबाइल है। तो ये कुछ चार्जर्स हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताता हूँ अनबॉक्सिंग में, क्योंकि जो भी काम की चीज़ें हैं वो हम बताता हूँ, मैं फालतू की चीज़ नहीं बताता हूँ, घुमाने फिराने वाली बात नहीं। ये केबल आपका डेटा केबल, इससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या फिर डेटा केबल भी यूज हो सकता है इसमें, लेकिन बहुत सारे चार्जर्स रहते होते हैं जिसमें डेटा केबल आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों है, बोथ है इसमें। तो यार चलिए इसे हम करते हैं साइड में। अब मेन फोकस हमारा है मोबाइल पर, जो कि मोबाइल हमारा है। तो यार बहुत सारे जो भी व्यूअर्स होते हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कन्फ्यूज रहते हैं ये क्या दे दिया। सो लेट्स गो यार, इसमें कॉपी और डेटा, मेरे पास कुछ डेटा ही नहीं है। तो इसमें कुछ वाईफाई मैं इसमें आप कर देता हूँ, कंटिन्यू, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। कुछ इसके अभी टर्म्स एंड पॉलिसी हैं, तो यार इसमें नेक्स्ट कुछ भी नेम आप लिखिए या मत लिखिए। अब इसमें दे रहा है फिंगरप्रिंट क्वालिटी, मतलब फिंगरप्रिंट ऐड कीजिए इसमें, तो मैं कर दे रहा हूँ ऐड फिंगरप्रिंट प्लस पैटर्न मैं डालूँगा जो भी हो, नो थैंक्स, जो भी पैटर्न हो, ये नॉर्मल पैटर्न है। कंटिन्यू। अब यहाँ पे दे रहा है, जैसे ये कह रहा है फाइंड द सेंसर, लोकेट योर फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन द बैक ऑफ योर फोन, यहाँ पर आप लिखी रखिए। तो यहाँ पे एक ले लिया और ये मैंने नेक्स्ट गेट रेडी। ये दे रहा है यू विल नीड टू टेप योर फिंगर एट नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिकॉर्ड, मतलब ये कह रहा है जिस भी तरह आप इधर उधर करके जो भी आपकी उंगली है उसे लगाइए आप। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा, यहाँ से फिर यहाँ से, मतलब जिस भी तरह हो आपका ऐसे, यहाँ पर देख सकते हैं आप ऐसे करके फिर, मतलब इधर जिस भी रास्ते आप कर सकें, दो तीन चार पाँच जितने भी रास्ते हों आपके, मतलब जैसे भी आप अगर अपनी उंगली रख रहे हैं इस फ़ोन पे तो डायरेक्ट वो खुल जाए, इधर उधर करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो गया फिंगरप्रिंट एडेड। अब हम करेंगे इसे और नेक्स्ट ऑल सेट। ये कुछ इसकी डैशिंग लुक लग रही है भाई, जिस तरह की फ़ोटो में दिखती है, मतलब जब आप मोबाइल की रिव्यू देखेंगे सेम टू सेम वही वॉलपेपर है इसमें। अब हम इसकी बात थोड़ा सा देख लें, इसकी वर्जन क्या है। तो यार वर्जन हमें नागट ही में देखा, क्योंकि 7.11 है, बिल्कुल नागट वर्जन है इसका। जो भी कैमरे की क्वालिटी है डिस्प्ले पर मैं दिखा दूंगा आपको किस तरह की है। कुछ लेटेस्ट इसमें जो डिज़ाइन दिया हुआ है कुछ लेटेस्ट है, हर फोन से थोड़ा अलग है। तो ये यूनिक लग रहा है बस भाई, इतना ही है इसमें, मोबाइल में कुछ खास नहीं है, सारे स्मार्टफोन एक ही तरह होते हैं। तो यार बस भाई वीडियो यहीं तक था, अब अनबॉक्सिंग जो हमारा था वो हो गया। अब बात होगी गिव अवे की। तो यार गिव अवे का जो कॉन्टेस्ट होता है, अगर पार्टिसिपेट आप करना चाहते हैं तो गिव अवे का कॉन्टेस्ट रूल यही है कि आप जितना से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, एनालिटिक्स में दिखाता है आप कितना शेयर करते हैं, या फिर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, आपको ये मोबाइल कैसा लगा, फिर किस तरह का मोबाइल है ये, सो रिव्यू कैसा लगा, हमारा अनबॉक्सिंग जो करने का तरीका वो कैसा लगा आपको। तो बस ये भाई यही कॉन्टेस्ट है, यही रूल है आपके गिव अवे का, यही रूल है। तो यार आज का वीडियो यहीं तक, मैं मिलने वाला हूँ आपको अगले वीडियो में। सो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आपको हर रोज देता रहता हूँ। सो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।